हेलो जी साथी का, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं हूँ पिछले दो दिन से गोविंद घाट में। तो आज मैं गोविंद घाट से गोविंद धाम जाने का ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 9, लेट हो चुका थोड़ा। तो बस गुरुद्वारा साहिब से निकलते हैं, माथा टेक कर गुरुद्वारा साहिब से निकलते हैं गोविंद धाम के लिए। डंडा ले रहे, क्यों? डंडा बहुत ज़रूरी है, यहाँ से मिल जाएगा। नाम वाहिगुरु चे पाछा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करते यात्रा शुरू। तो मैं पहले जाऊंगा यहाँ से पुल्ला गांव है यहाँ से 4 किलोमीटर, वो भी ट्रैक में पैदल ही करूँगा। इस पुल को क्रॉस करके यात्रा स्टार्ट होती है गोविंद धाम के लिए। गोविंद घाट गुरुद्वारा साहब बहुत प्यारा लग रहा है, यहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है यहाँ से। अब पहुँच चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन वाला अभी खुला नहीं है, तो कल भी आया था मैं। पहले गाड़ी यहाँ तक आती थी, अब आगे जा रही है गाड़ी, या तो संगत का मैं, इसीलिए आगे तक जा रही है गाड़ी। और मैं नीचे से पैदल, वो पीछे वो तीन भाई वो भी आ रहे हैं अमृतसर से, वो भी पैदल ही आया पुल्ला गाँव तक। पुल्ला गाँव से स्टार्ट होगा अब 7-8 किलोमीटर का ट्रैक, हो जाएगा आराम से। अभी तो 10 ही बजे हैं, आराम से पहुंच जाएंगे 1-2 बजे तक। दुकानों का काम अभी चल रहा है, जब तक यात्रा स्टार्ट होगी 1-2 दिन में दुकानों का काम मुकम्मल हो जाएगा। नहीं, क्या चीज़ है, और नीचे भी देखी थी मैंने, कहीं पे लगी हुई है, घर की छतों पे लगे हुए हैं तकरीबन सभी पे, पता नहीं क्या चीज़ है। तो भाई पीछे बंदा पार्किंग के लिए जगह तैयार कर रहा है, मैंने उनसे पूछा था भी पार्किंग के कितने चार्जेस लगेंगे किस पर, तो बोल रहे अभी मीटिंग होगी इनकी, तो ये यूनियन बैठेगी, इनकी मीटिंग करेगी, वो डिसाइड करेंगे भी कितने पैसे रखने हैं। पिछले साल तो 100 रुपये पर बाइक का था पर डे का, इस बार शायद थोड़े बढ़ाने की सोच रहे हैं ये लोग, तो अपना भाई देख लेना, मैं कन्फर्म नहीं हूँ। यहाँ पे घोड़ों की काठियों का काम चल रहा है, यात्रा शुरू होने वाली है 1-2 दिन में। भाई ये क्या पालिश कर रहे हो? तेल पिला रहे हैं काठियों को। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है, अब गाड़ियाँ वहाँ तक आती हैं जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। घोड़े स्टार्ट हो चुके हैं, ट्रैक पे आते ही सामान ढो के आ रहे हैं ऊपर, सुबह सुबह सामान ढो कर वापस आ जाते हैं इस टाइम। तो कल मैं यहाँ तक आया था, वहाँ पुल्ला गांव तक, यहाँ तक आके गया था, अभी जा रहा हूँ आज आगे। कल दिखाया था ना, यहाँ पे एक भी घोड़ा नहीं था, आज देख लो कितने घोड़े हैं यहाँ पर। धूप बहुत तेज हो चुकी है, गर्मी लग रही है, तो यहाँ पे तो गर्मी है, जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे ना ठंड बढ़ती रहेगी। फिर गोविंद धाम और फूलों की घाटी के लिए सेम ही ट्रैक है, एक ही ट्रैक से जाना पड़ता है। भाई घोड़े वाले लेते हैं गांव से गोविंद धाम तक के 2500 रुपया, दो आप ट्रैक करोगे गोविंद घाट से गोविंद धाम का, तो छोटे छोटे कदम लेने हैं, जितने बड़े कदम लोगे उतनी जल्दी आप थकोगे, इससे अच्छा धीरे धीरे चलते रहो, पानी पीते रहो, पानी की बोतल जरूर रखो अपने साथ में। एक चढ़ाई आ जाती है, कभी ढलान आ जाती है, अगर तो आप प्रकृति के नज़ारे देखोगे, मज़े लोगे, फिर तो आप आसानी से पहुंच जाओगे, नहीं तो आप बोलोगे थक चुके हैं। इसलिए आराम आराम से चढ़ो, और जहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स भी मिल जाएंगी, आराम से बैठ के आराम करते करते धीरे धीरे चलते रहो बस। तो में अगर आपको मेडिकल सहूलत चाहिए ना, तो नया पुल बना है इस तरफ आगे जाके ना, वहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक तो पुल की तरफ जाता है ऊपर, वहाँ पे आपको मेडिकल सहूलत मिलेगी, नीचे वाले रास्ते पे जाओगे तो वहाँ पे नहीं मिलेगी, ऊपर पुल की तरफ से जाना पड़ेगा आपको, नया पुल जो बना है। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, ये मेडिकल सहूलत का अगर आपको चाहिए, नए पुल को रास्ता जा रहा है और नीचे से रास्ता जा रहा है, नए पुल को ये रास्ता जा रहा है, ध्यान रखना है आपने, इसका ध्यान रखना,
और ऊपर चढ़ना पड़ेगा आपको। जो आसान रास्ता है ना वो नीचे वाला है, तो मैं जा रहा हूँ मेडिकल कैंप दिखाने के लिए आपको, इसीलिए मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, नहीं तो मैं आसान रास्ते से जा सकता नीचे से। ये भाई मेडिकल कैंप, यहाँ पे आपको मेडिकल सहूलत भी मिल जाएगी और मसाज करने के लिए मशीनें भी मिल जाएंगी फ्री में। गुरुद्वारा साहिब की तरफ से लंगर होता है यहाँ पर। ये पुल से पहले है रास्ता, नया पुल जो बना है। तो भाई इस प्यारे से पुल से होकर जाना पड़ेगा अभी आगे, और वो नीचे इस तरफ का पुराना पुल, बहुत ही सुंदर पुल बना हुआ है। और इसके इस पुल के बाद तकरीबन घाघरिया गोविंद घाट बचा जाए 3 या 4 किलोमीटर बच जाता है, तो आप हिसाब लगा लो भी जब पुल पे आ गए तो आधा रास्ता आपने कंप्लीट कर दिया है। काले बादल हो गए हैं भाई, बारिश ना आ जाए। और भाई ये वाला व्यू सबसे बढ़िया लग रहा है मेरे को, सबसे मज़ेदार। तो ये खूबसूरती भाई जब आप आओगे ना देखोगे तो आँखें खुली की खुली रह जाएंगी, इतना खूबसूरत है। जितने भी पत्थर और दरख्त दिखाई दे रहे हैं टूटे हुए हैं, जो ग्लेशियर के साथ आए होंगे नीचे, वो जो लोहे का पाइप है देखो ये भी बेंड कर दिया, कितनी ताकत होती है ग्लेशियर में। ये चेयर, बैठने वाली चेयर, ये बैठने वाली चेयर देखो कहाँ पे चली गई भाई, कुदरत इसको बोलते हैं कुदरत। ये पत्थर देख लो पेड़ पे कहाँ पे लटका हुआ है, इतना बड़ा पत्थर किसी ने उठा के तो रखा नहीं होगा यहाँ पे। कुदरत कुदरत बलवान है इसीलिए बोलते हैं भाई, इतना बड़ा पत्थर है। फूलों की घाटी लावरो वैली, उसका भी यही ट्रैक जाता है। जब पुल क्रॉस करोगे ना उसके बाद थोड़ी सी आपको बिल्कुल खड़ी चढ़ाई मिलेगी। ये मधुमक्खियों के छत्ते देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं, ये भी तकरीबन हर साल ही होते हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है ना पेड़ की जड़ों में से आ रहा है पानी निकल रहा है नीचे से, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस बार ये वाला ग्लेशियर भी, इस बार ये वाला ग्लेशियर बहुत कम है, ये तो बहुत बर्फ होती है यहाँ जहाँ तक बर्फ होती है। पिछले साल के मुकाबले इस बार कम बर्फबारी हुई है हेमकुंड साहिब में, पिछली बार तो 15 फिट बर्फ थी। घाघरिया गोविंद धाम पहुँचने वाला ही हूँ फाइनली भाई, घाघरिया पहुँच चुका हूँ। ये सामने हेलीपैड है, अभी तो बिल्कुल कम संगत है और हेलीकॉप्टर भी नहीं चल रहा अभी, तो बस 500 मीटर बचा है यहाँ से गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब। फाइनली भाई 5.5 घंटे के बाद गोविंद धाम पहुँच चुका हूँ, वो तो मैंने पुल्ला गाँव तक भी पैदल ही किया ट्रैक जो 4 किलोमीटर का है। गोविंद धाम पहुँच चुका हूँ फाइनली, और बारिश भी स्टार्ट हो गई थोड़ी थोड़ी, गुरुद्वारा साहिब इस तरफ आगे जाके, और ऊपर देखो भाई बर्फ़ वाले पहाड़ दिखाई देने स्टार्ट हो चुके हैं। 25 तारीख से कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी जहाँ पे, अभी खाली खाली दिखा रहा है घाघरिया। और जो ऊपर रास्ते पर बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है स्पेशल संगत के लिए। सभी घोड़े संगत का सामान लेके आए हैं ऊपर। फाइनली गुरुद्वारा गोविंद धाम पहुंच चुके हैं, सतनाम वाहेगुरु। इसी में रिहायश करते थे वो अपने बाबा मोहन सिंह जी, जिन्होंने हेमकुंड साहिब की खोज की थी। गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर लिए, तो दर्शन करके मैंने सोचा आपको थोड़ा बाजार घुमा देता हूँ घाघरिया। यहाँ के आपको हर चीज़ तरह की चीज़ मिल जाएगी, गर्म कपड़े अगर आप लाना भूल गए हो, गर्म कपड़ों से ले गए चप्पल, रेनकोट, पहुँचू बारिश से बचने के लिए कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा।
ये गुरुद्वारा गोविंद धाम है, मैं ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ से श्री हेमकुंड साहिब का ट्रैक जाता है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा व्यू दिखा दो अच्छा सा। पहाड़ों पे भी बादल रखे हैं, बारिश होने वाली है, फुल बादल रखे हैं चारों तरफ, पहाड़ियाँ बादलों से गिर चुकी हैं, बारिश होने वाली है, अभी हो रही थी लेकिन बंद हो गई। और हेमकुंड साहिब की यात्रा जब आप गोविंद धाम से करोगे ना, कोशिश करो सुबह 4-5 बजे आप निकल जाओ, क्योंकि रास्ते में फिर वापस भी आना होता है, टाइम बहुत लगता है। ऊपर सीधी खड़ी चढ़ाई है इसलिए टाइम लगता है, तो इसीलिए जितना हो सकता है सुबह जल्दी दर्शनों के लिए निकलो ताकि आप टाइम से वापस आ जाए। वह ये प्यारे से झरने आ रहे हैं ऊपर से श्री हेमकुंड साहिब की तरफ से, और संगत फोटो खिंचवा रही है झरने के बीच खड़े होकर। बस यहीं तक आया था आपको व्यू दिखाने के लिए, थक चुका हूँ, अब थोड़ा आराम करूँगा, जाकर वीडियो अपलोड करूँगा। देखता हूँ, मैं पूछता हूँ, या तो कल जाऊँगा श्री हेमकुंड साहिब या जाऊँगा 25 तारीख को, नीचे जाके पूछता हूँ पहले सेवादारों से, फिर मैं जाऊँगा। वही परसों ये पहाड़ चढ़ने हैं और वहाँ कहीं पे जाना है पीछे, वहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब। मुझे जितने भी दिख रहे हैं ना आपको तबेले, ये घोड़ों के रुकने के लिए बनाए गए हैं, रात में घोड़े होते हैं यहाँ पे। गुरुद्वारा साहिब में फ्री मालिश की सेवा भी की जाती है और साथ ही में मेडिकल सहूलत मिल रही है।